What's up everyone, welcome back to the channel. Hopefully आप लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं भाई टेंशन भी तो होती है. तो स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरुआत करते हैं. थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं. और स्टार्ट करता हूँ एक बहुत बहुत आसान चैप्टर के साथ जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स. एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो चलो डिस्कस करते हैं आज इंडेक्स नंबर फटाफट से और खत्म करते हैं इसको दो वीडियोज के अंदर अंदर. लेट्स बिगिन. तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, इंडेक्स नंबर्स. 4 to 6 मार्क का यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलना ही मिलना है. 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, क्वेश्चन आना 100% कंफर्म्ड है. अब इंडेक्स नंबर बेसिकली है क्या? तो यार सबसे पहले इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझते हैं. देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो टाइम के साथ हर चीज की वैल्यू चेंज होती है, समझ रहे हो. लाइकवाइज की सपोज पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2010 में पेट्रोल का जो प्राइस था 2020 में ऑब्वियसली वो प्राइस बहुत चेंज हो चुका होगा. तो यहां पे आपको ये देखना है, एक तो पिछला वाला प्राइस, इसको मैं बोल देता हूं प्राइस ऑफ 2010, और एक अब का प्राइस, प्राइस ऑफ 2020. तो जो पिछला वाला वैल्यू ले रहे हो ना उसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर. उसको क्या बोलोगे? बेस ईयर. और जो अब वाला ले रहे हो उसको क्या बोलना है हमने? करंट ईयर. करेक्ट है. और बेस ईयर को अगर हम प्राइस की बात करें तो P0 से आप लोग डिनोमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या डिनोट कर सकते हो. और अगर आप करंट ईयर की बात करो तो P1 व्हेन इट कम्स टू प्राइजेस. सिमिलरली अगर क्वांटिटी चेंज हो रही हो, क्वांटिटी भी तो हो सकती है, तो क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं कि क्वांटिटी 2010 में जितनी आती थी, फिर से बेस ईयर की बात कर रहा हूं, अब क्वांटिटी 2020 में कितनी आएगी, करंट ईयर की बात कर रहा हूं. तो जो बेस ईयर क्वांटिटी है वो Q0 और जो करंट ईयर क्वांटिटी है वो Q1. अब बेस ईयर कोई भी हो सकता है, सपोज हम 2015 से 18 कंपेयर कर रहे हैं तो 15 बेस ईयर और 18 करंट ईयर. जो भी बेस ईयर होगा उसे 0 से डिनोट करना, जो भी करंट ईयर होगा उसे 1 से. क्लियर होती है ये बात. अब इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है? लाइक सपोज आपका इंडेक्स नंबर 150 आ रहा है, इंडेक्स नंबर में आपका आंसर कितना आ रहा है? 150. तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है जो चीज पहले 100 की थी वो आज कितने की हो चुकी है? 150 की. अगर प्राइस की बात करें, अगर सपोज मेरा इंडेक्स नंबर 200 आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? जो चीज 100 की थी अब कितने की हो चुकी है? 200 की. अगर मेरा इंडेक्स नंबर का आंसर 300 आ रहा है तो जो चीज 100 की थी वो कितने की हो चुकी है? 300 की. बेस ईयर हमेशा 100, मतलब बेस हमेशा 100 रहता है. आप वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे? 100 से कंपेयर करोगे, समझते हो. अब इंडेक्स नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं? लेट्स डिस्कस दैट. जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे. इंडेक्स नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? मेरे साथ साथ नोट्स बना के चला करो. जो बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं ना तरक्की करते हैं बहुत ज्यादा. स्क्रीनशॉट ले लेना यार, तुम टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले भाई हो, स्क्रीनशॉट ले लेना. अच्छा, इंडेक्स नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने. एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर्स और एक होते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स. तो कुछ तो होते हैं सिंपल और कुछ होते हैं वेटेड. करेक्ट है, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना तो साथ साथ लिख लेना, सिंपल और वेटेड, WIGHTED. अब सिंपल में क्या क्या आता है? सिंपल में दो होते हैं, एक तो होता है सिंपल एग्रीगेटिव, एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. फिर वेटेड में भी ऐसे ही दो होते हैं, एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव और एक होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. तो हमारे पास ये 4 तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करा जा सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो ये है, इसके ऊपर लिख लेना, सिस.
सिस मतलब साउदर्न इंडिया सवाल है ना, साउदर्न इंडिया सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको यही देखने को मिलने वाला है, दिस वन, ठीक है जी। अच्छा अब आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं ये सिंपल्स, और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वेटेड्स और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, यही है, सिंपल सा चैप्टर है, तो इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से, हो गया। अब सिंपल एग्रीगेटिव के साथ शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग विद सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले फॉर्मूला के साथ शुरुआत करता हूं। सिंपल, नाम में ही क्या है, सिंपल, तो आसानी से करने वाला सवाल। देखो हेडिंग डालेंगे सिंपल एग्रीगेटिव, अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम P01 से डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं सॉरी डिनोट करते हैं, सो सॉरी डोनेशन याद आ रही है, हम उसको डिनोट करते हैं P01 से, करेक्ट है। अब P01 से इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। इस फॉर्मूला में सिंपल एग्रीगेटिव में सिर्फ हम प्राइस को कंपेयर कर रहे होंगे कि प्राइजेज ऑफ बेस ईयर कितना और प्राइजेज ऑफ करंट ईयर कितना, 0 मतलब बेस, 1 मतलब करंट, करेक्ट है। तो बेस ईयर में क्या प्राइस था, करंट ईयर में क्या प्राइस है, इसके अकॉर्डिंगली आंसर्स निकालने हैं। अब सुनो, यहां से हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आता हूं, थोड़ा सा लिख लेना, P1 का मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर और P0 का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉमोडिटी ABCDE, आ जाओ जी, कॉमोडिटी ABCDE हम लोग एज्यूम कर रहे हैं प्राइस ऑफ 2010 एंड प्राइस ऑफ 2020, लेट सपोज प्राइस ऑफ 2010 एंड प्राइस ऑफ 2020, 2010 का मतलब ये बेस ईयर होगा ये, तो इसको P0 मान लेना, ये करंट ईयर होगा तो इसको P1 मान लेना, जो भी पिछला वाला होता है उसको बेस लेना है, ठीक है। कितने कितने प्राइजेस लें हम लोग, इसका प्राइजेस ले लो 50, 40, 10, 5, 2 और करंट ईयर का कितना लें, 80, 60, 20, 10, 6, 80, 60, 20, 10, 6, ये हमने करंट ईयर का प्राइसेस ले लिया। अब मुझे इंडेक्स नंबर बताना है, देखो इंडेक्स नंबर में हम 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू सम ऑफ P1, दिस इज सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ, डिवाइड बाय सम ऑफ P0 इनटू 100, तो सिग्मा P1 कितना होगा, ये हमारा P1 है, करंट ईयर को P1 बोलते हैं, ठीक है, इसका टोटल कर दो, ये आएगा सिग्मा P1, ये आएगा सिग्मा P0, 80 और 20, 100, 160, 170, 176, ये तो आ गया 176, और 50 और 40, 90 और 100, 107, ये आ गया 107, तो पुट करो 176 अपॉन 107 इंटू 100, कहाँ है हमारा कैलकुलेटर, कितना आंसर आएगा, 164.49 आंसर। इसके बाद ऑलवेज पुट अप्रोक्स, हमेशा अप्रोक्स लगा गया ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा कॉमर्स वालों का बहुत बड़ा हथियार है, ये हमें बहुत हेल्प करता है, हर आंसर्स के साथ अप्रोक्स लगाया करो, नंबर मिल जाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है। अब देखो ये आंसर क्या शो कर रहा है, ये आंसर शो कर रहा है कि ओवरऑल अगर हम देखें अलग अलग कमोडिटीज को एक साथ कंपेयर कर लूँ, तो 2010 से लेकर 2020 में जो चीज़ पहले 100 रुपीज़ की थी वो चीज़ आज कितने की हो चुकी है, 164.49। अगर इसका आंसर 200 आता तो मैं क्या बोलता, जो चीज़ 100 की थी आज वो 200 की है, जो चीज़ आज 100 की थी आज वो 500 की है, अगर आंसर 500 आ जाता, समझ रहे हो, ये इंडेक्स नंबर होता है, क्लियर हुआ। अब इस वाले फॉर्मूला में सिंपल एग्रीगेटिव में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थे, इस फॉर्मूला में कुछ लिमिटेशन थे, कुछ कमियां थी, हर इंसान में कमी होती है ना, तो अल्टीमेटली इसमें कुछ लिमिटेशन थे, तो वहां से फिर फॉर्मूला आया सिंपल एवरेज। क्या लिमिटेशन थे ये अभी बताता हूं, ये था सिंपल एग्रीगेटिव, इसमें लिमिटेशन होने की वजह से क्या निकल के आया हमारे पास, अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में क्या हो रहा है, अब देखो यहां पे इसने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंसिडर ही नहीं करा, देखो
यहाँ तो 50 से 80 हुआ है, ये 40 से 60, ये 10 से सीधा 20, डबल, 5 से 10 डबल, ये 2 से 6, 3 गुना बढ़ गया। तो कोई तो ज्यादा बढ़िया है, कोई कम बढ़िया है, हमने एक ओवरऑल एवरेज निकाल दिया। हमने क्या करा, इसको टोटल करके बस ओवरऑल बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो चेंजेस हैं वो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। हम कह रहे हैं सब में लगभग 100 से 164 हो गया, तो कम ही हो गई ना। अल्टीमेटली इस आंसर को, इस फॉर्मूला को बोला गया कि ये गलत है, एग्जाम में अगर आएगा तो करके आना, लेकिन इसमें लिमिटेशंस की वजह से फिर नया फॉर्मूला आया। अब P01 का सिंपल एवरेज में सिग्मा बाहर कर दो और हर वैल्यू का अलग अलग निकालो प्राइस रिलेटिव। इस पर्टिकुलर आइटम को हम क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव। अगर आपसे कोई प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पूछ ले तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला बता देना। क्या होता है प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला, P1/P0×100। अगर एक नंबर में आ जाए, आ जाता है, लिख लो अपनी कॉपी में, फॉर वन मार्क एक्सप्लेन द फॉर्मूला फॉर प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या लिख क्या हो गया, P1/P0×100, करेक्ट है। अब अगर मुझे इसको दिखाना है तो इसमें इंडेक्स नंबर के लिए यहां पे नीचे डिवाइड बाय एन लग जाता है। अब ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या फर्क है, देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें सबका P1 जोड़ दिया, P0 जोड़ दिया और टोटल आंसर निकाल दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें हर चीज का अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें पता चलेगा कि किसमें क्या फर्क है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये हटा रहा हूं, कमोडिटीज तो ऐसे लिखे रहने दो, वैल्यूज चेंज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो पीछे जाके ले लेना, बहुत जगह छोड़ता हूं मैं हमेशा तुम्हारे लिए ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले पाओ आसानी से। ABCDE और हम लोग कंसिडर करते हैं अब बेसिकली P0 और P1 लिख दूं मैं सब तो डायरेक्टली, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं लिखता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड P0 और P1, बेस ईयर करंट ईयर, बेस ईयर में ले रहा हूं 108/2/201, 100 के बाद 8/2/201, ये तो ले लिया मैंने बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर के बाद करंट ईयर प्राइस अगर लूंगा तो 240/16, 800/6, ये हमने ले लिया करंट ईयर प्राइस। ठीक है, एक बेस ईयर प्राइस लिया, एक लिया करंट ईयर प्राइस। अब मुझे इस बार जो आंसर निकालना है वो इससे निकालना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से निकालना है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1/P0×100/N। तो चलो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव होता है P1/P0×100, इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। प्राइस रिलेटिव को किससे डिनोट करते हैं, R से। तो कैसे निकालूंगा, P1 यानी कि 200/100×100, तो वैल्यू आएगी 200, 40/8×100, तो वैल्यू आ जाएगी 500। देखो अब ए कमोडिटी 100 से 200 की हुई है, लेकिन इसमें 5 गुना चेंज, यानी 100 वाली 500 की होगी, होगी 5 times, 16/8×100, ये भी 200 आ जाएगा, 800/200×100, ये 400 आ जाएगा, 6/1×100, ये 600 आ जाएगा। अब आपको इसका सम करना है, अब आप यहाँ पे अलग अलग भी देख पा रहे हो किसमें क्या चेंज आ रहा है, समझ रहे हो, इसका सम करो, 1000, 1200, 1400, 1500, 1900, हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 1900। सबसे पहले आ गया 200, फिर 500, उसके बाद 16/2, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है 16/2 था ये, सॉरी मैंने 8 ले लिया गलती से, 16/2 तो ये 800 आएगा, फिर 800/200 ये 400 आ गया, 6/1 ये, ठीक है टोटल दोबारा से कर लेते हैं एक बार, 5/2, 7, 7/4, 11, 11/6, 17, 17/8, 2500, ये करेक्ट है। ठीक है तो यहाँ पे आएगा 2500, सिग्मा आ गया ना इसका 2500, डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 5, 500 वुड बी योर आंसर, 500 आंसर आ जाएगा। अब सर इस 500 का मतलब क्या हुआ, इस 500 का मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो चीज 100 की थी वो कितने की हो गई है,
500 की हो गई है। लेकिन जो पहला वाला मेथड था हमारा सिंपल एग्रीगेट है, इसने हर यूनिट को अलग अलग नहीं दिखाया था, इसने बस एक कॉमन आंसर बताया था, लेकिन इसने ये अलग अलग भी बताया है। तो आप यहाँ से देख के ये भी बता सकते हो कि किस पे इम्पैक्ट ज़्यादा है और किस पे इम्पैक्ट कम है। क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोगों ने आज बेसिकली इंडेक्स नंबर्स में सिंपल इंडेक्स नंबर्स सारे पढ़ लिए। अब हमारे पास बचते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दिस इज डन और चैप्टर को करेंगे समाप्त। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना, लो जल्दी से सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। स्टिल कोई दिक्कत हो तो तुम्हें पता ही है, कमेंट सेक्शन में। यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।